दोस्तों, जिस भूमि पर विशाल माउंटेन एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहां के निवासी रहे हो, उस जगह से अधिक रहस्यमयी और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है। गैस कर पा रहे हो हम कौन से देश की बात करने वाले हैं आज? जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे देश की एक ऐसी हमजोली है कि हम वहां बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार सकते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबोहवा ऐसी है कि हम उसे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और उस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमे के नाम पर से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूँ, वो ये कि ये देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसीलिए तो हमारे देश जैसा इस देश का कोई भी स्वतंत्र दिवस नहीं है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या है करीब 3 करोड़, पर फिर भी यहाँ पर 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कमाल की बात है ना। दोस्तों, नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से भी अधिक ज्यादा पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है जो अपने समय की कहानी बयां करता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट से, इसीलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे ही आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया के 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। अगर आपको ट्रैकिंग का बहुत शौक है और कभी मौका मिले यहाँ जाने का, तो आप इस चोटी के पहले पड़ाव तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। वैसे आपको बता दूं कि राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसा एडवेंचर का असली मजा अगर लेना है तो नेपाल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। अगर आपका ऐसा कोई शौक है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामले में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहां पर आधे से ज्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा है ना? लेकिन धर्म निरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश हैं जहां बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है। यहां का 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहां सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है, इसीलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीज से भी कम है। मतलब कि 1 भारतीय रुपये करीब 1.69 नेपाली रुपीज के बराबर होता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों, है ना मजेदार? कम पैसों में भी अब आप इतने खूबसूरती देख पाएंगे, साथ ही आपका विदेश घूमने का एक्सपीरियंस भी होगा। सोच लीजिए, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको नेपाल में जाकर ऐसा कतई महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी, नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मित्र देश भी है। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहां के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा।
दोस्तों अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको नेपाल में किसी नेपाली लोगों से मुलाकात हो गई तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिएगा। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी धर्म, जाति और मजहब के मामले में दंगे फसाद नहीं हुए और जातीय संघर्ष के नाम पर आज तक एक भी खून बहाया नहीं गया। जबकि यहाँ पर 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, और हो भी क्यों ना, हिमालय की गोद में जो बसा है ये, इसी वजह से नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाली पकवान तिब्बत और भारत की पाक कला से मिलते जुलते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। नेपाल के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल, भात और तरकारी शामिल है। दाल भात के बाद मोमो यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है। काठमांडू शहर में हर गली नुक्कड़ में आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आपको एक बार के लिए भी नेपाल की सैर जरूर करनी चाहिए? चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ और इसके अंदर समय हुए झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है, आपको नेपाल जाने से रोक नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, ऐसे कई पशु का बसेरा भी है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। मुश्किल रास्तों और दूसरी चुनौतियों के बावजूद भी नेपाल एक अद्भुत देश है। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ की उन सारी जगहों से जिससे आपको नेपाल यात्रा के दौरान शामिल करना चाहिए। काठमांडू। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे सात समंदर पार होते हैं। बात चाहे बुद्धिस्ट स्तूप की हो या फिर यहाँ के बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला काठमांडू नगर अपनी विशेष विशिष्ट शैली में बने घरों के लिए भी विख्यात है। पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और पसंद है शांत झील के पास बैठना, उसके शांत संगीत को सुनना और समझना, तो फिर पोखरा को अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में जरूर ऐड कर लें। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती बस यहीं बसती हो। ये शहर 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, जो पर्यटकों को खूबसूरत नजारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। झील के अलावा यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर। हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती नदी तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा है। अगर इस मंदिर की संरचना के बारे में बात करें तो इसे करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बनी इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जो चांदी के बने हुए हैं। इसके ऊपर सिंह का चित्र लगा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। नागरकोट। ये एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहां से हिमालय की चोटियों के साथ ही माउंट एवरेस्ट का भी सूर्योदय देखा जा सकता है। इस वजह से ये एक खूबसूरत रोमानी जगह के रूप में माना जाता है। अगर आप यहां से सूर्यास्त और सूर्य के अभूतपूर्व दृश्य देखेंगे ना, तो ये आपकी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। जाना चाहेंगे आप इस जगह पर, हमें जरूर बताएं। लुम्बिनी। नेपाल को खास तौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली यही है। भारत नेपाल सीमा रुमिनोदेई गांव को ही लुम्बिनी कहा जाता है। यहां का खास आकर्षण वहां का 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गार्डन है। यहां माया देवी मंदिर भी देखने लायक है।
ये मंदिर गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर है, जिसमें उनकी मूर्ति भी है। ये नेपाल का काफी प्रसिद्ध स्थान है। बौद्धनाथ। काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ये स्तूप नेपाल का सबसे विशाल स्तूप है। इसे बुद्ध की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती है। यहां से संपूर्ण काठमांडू का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मनी जोगिनी के कहने पर राजा मन देवा ने इसे बनवाया था। मंदिर के चारों ओर लामा और बौद्ध भिक्षुओं के निवास बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहां की खूबसूरती का लुफ्त उठाने के लिए शायद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे क्या आपने कभी नेपाल की सैर की है, तो बताएं हमें कमेंट में आपका एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।